हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम आपका एक कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। ये जो पजल्स आते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे जो अजीब लगता है, मतलब कन्फ्यूजन सा लगता है उसमें कि कैसे हुआ, तो उसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। इसी टाइप की वीडियो को देखने के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, दोस्तों में भी वीडियो शेयर करें, ठीक है। अब देखिए, ये एक पजल आया मेरे पास कि 100 रुपया खर्च होने का हिसाब। मुझसे किसी ने पूछा कि ये 100 रुपया खर्च होने का हिसाब है, जिसमें देखिए खर्च इस साइड लिखा गया है कि 40 रुपया खर्च हुआ। मान के चलिए 100 रुपया था, 40 रुपया खर्च हुआ और बच कितना गया, 60 रुपया। उसके बाद 60 रुपया जो बच गया उसमें से मैंने 30 रुपया खर्च किया, फिर हमारे पास बच गया 30 रुपया, ठीक है, क्लियर है। 30 रुपया जो बच गया उसमें से मैंने 18 रुपया खर्च कर लिए और बच गए कितने, 12 रुपया। और फिर 12 रुपया मैंने खर्च कर दिया तो हमारे पास कितने बच गए, 0 रुपया, ठीक है। ऐसा हिसाब मुझे उन्होंने दिया। अब उसका कहना है कि यहाँ पर देखिए कि जो खर्च है टोटल, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 100 रुपया हो जाता है, ठीक है, सही है यहाँ तक। लेकिन जो शेष बचे रुपया है, जो शेष बचा हुआ रुपया है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो 102, 102 रुपया हो जाता है। इसको आप ऐड करके देख सकते हो, 60, 30, 90 और 90, 12, 102। और इस तरफ जो है, इस तरफ 40, 30, 70, 10, 80, 8, 88, 89, 90, 10। इस तरफ खर्च हुए जो हिसाब है वो 100, ठीक है, इस तरफ 102 आ जाता है। ये जो +2, ये जो 2 रुपया बढ़ गया, ये कहाँ से आया, यही कंफ्यूजन है और मुझसे पूछा गया। तो इस ये हो सकता है कि आपके पास ये पहले आया हो और आपने देखा हो। आपका डाउट क्लियर है तो कोई बात नहीं है, नहीं डाउट क्लियर है तो आप ये वीडियो देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर समस्या है। तो ये जो 102 हो गया, इसमें 2 रुपया जो बढ़ जाता है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अब कि ये जो शेष बचे रुपया है इसको ऐड करने पर कुल रुपया हो जाए, ऐसा कहाँ पर लिखा था या किस हिसाब में ऐसा है कि जो शेष बचे रुपये होते हैं उसको ऐड करने पर टोटल आ जाएंगे, ऐसा कोई हिसाब होता ही नहीं है। एक एग्जांपल देखिए, मैंने वो सेट किया है, देखिए 100 रुपया खर्च होने का हिसाब। यहाँ मैंने अपने तरफ से एक 100 रुपया था, मैंने 10 रुपया खर्च कर लिया, बच कितना गया, 90 रुपया। फिर मैंने 20 रुपया खर्च किया और बच कितना गया, 70 रुपया। फिर मैंने 50 रुपया खर्च कर लिया 70 में से, तो बच गया 20 रुपया। इस बार मैंने 20 रुपया खर्च कर लिया तो बच गया 0 रुपया, ठीक है। तो देखिए खर्च जो मैंने किया उसको ऐड करेंगे तो 100 आएगा, ये सही है, बिल्कुल हिसाब ऐसे ही किया जाता है। लेकिन शेष बचा हुआ जो रुपया है इसको ऐड आप करोगे तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 180। तो शेष बचे रुपया को अगर जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए, ऐसा कभी किसी ने बताया ही नहीं, ये एक कन्फ्यूजन है दिमाग में अपने आप सेट हो गया, ये अलग बात है। तो ऐसा हिसाब नहीं होता है, इसका सॉल्यूशन यही है कि ऐसा हिसाब नहीं होता है। आप अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हो, 100 रुपया है आपके पास टोटल, मान लो आपने 1 रुपया खर्च किए, बच गए कितने, 99 रुपया। फिर आपने 1 रुपया खर्च कर लिया उसमें से तो कितना बच गया, 98 रुपया। फिर आपने उसमें से 1 रुपया खर्च कर लिया तो बच गया 97 रुपया। फिर आपने 1 रुपया खर्च कर लिया, बच गया 96 रुपया। फिर 1 रुपया खर्च किया आपने, बच गया 95 रुपया। इस बार आपने 95 खर्च कर लिए तो बच गए 0 रुपया। अब इसको ऐड करिए तो इस तरफ तो 100 आ जाएगा, इस तरफ देखिए कितना ज़्यादा आ जाता है। तो अब आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि जो बचे हुए रुपया है ना उसको ऐड करने पर टोटल नहीं आता, ऐसा कोई हिसाब होता ही नहीं, ये कन्फ्यूजन दिमाग में अपने आप सेट हो गया। और इस पहेली का जो आंसर है वो यही है कि ऐसा कोई हिसाब होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।